हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं एक जायंट सी शेल जो कि मैं बेबी के फ़ोटोशूट प्रॉप में यूज़ करूँगी तो उसके लिए हम एक बड़ा बलून भी यूज़ कर सकते थे लेकिन बलून पे क्या है ये चद्दर और ये इतना बड़ा है कि बहुत हैवी रहेगा है। तो इसलिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाने की सोची तो अभी हम मिट्टी इकट्टी कर रहे हैं मैं और पापा मिलकर तो ये सारी मिट्टी इसमें बहुत मेहनत लग रही है तो इसी मेहनत को देखते हुए कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा ये और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले तो सबसे पहले हमने एक बहुत बड़ा डोम जैसा बनाया है उसके लिए बहुत सारी मैं यहाँ पर मिट्टी खट्टी किए जा रही हूँ किए जा रही हूँ और बहुत बुरी हालत हो गई है क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है सो so, जनरली आपने YouTube वगैरह पे देखा होगा कि इसमें पॉट बनाते हैं या कोई ऐसी शैल भी है छोटा सा बनाया हुआ है लेकिन इतने बड़े तौर पर किसी ने भी सीमेंट और क्लोथ का यूज़ कर कर ऐसा कुछ बनाया नहीं होगा ये फर्स्ट टाइम YouTube पे ऐसी वीडियो अपलोड हो रही है जो कि हम कर रहे हैं आ, पापा मैं अभी और सब मिलके करेंगे तो हम हमारी क्रिएटिविटी एक अनदर लेवल की है तो आप इस वीडियो में देख लेंगे कि क्या हमने बनाया है वैसे तो आप देख चुके हैं हमारी पहली वीडियोस में बेबी की फ़ोटोज़ उस शेल के साथ पहले मैंने सोचा था ये ऑनलाइन लेकिन बहुत महंगा था तो हमने इसको घर पे ही बनाने की सोची तो अब देखिए खूब सारी मिट्टी लगभग इकट्ठी हो चुकी है कुछ मैंने यहाँ से कर दी और कुछ पापा वहीं पर ही खड्डा खोद खोद के करे जा रहे हैं तो ऐसा हमने एक ड्रम ले लिया है ताकि ज़्यादा मिट्टी नहीं इकट्ठी करनी पड़े और उसके उसका बेस बन जाए सो so पापा ने यहाँ से मिट्टी के लिए दो ऐसे बड़े बड़े गड्ढे कर लिए हैं और उन्होंने भी यहाँ पे खूब सारी मिट्टी डाल ली है लेकिन अभी भी हमें बहुत मिट्टी की ज़रूरत है यहाँ पर तो अभी मैं और लाऊंगी और फिर हम इसको पूरा अच्छा सा एकदम सी जो होती है उसकी शेप के लिए तैयार कर लेंगी ताकि कपड़ा उसके ऊपर हम लगा सकें तो देखिए ये इतना इतना गहरा गड्ढा हो गया है और इधर एक और कर लिया है पापा ने तो इससे ही इतनी मिट्टी ली है कुछ मैं वहाँ से लेके आई हूँ और ये लगभग हमारा रेडी है बनकर इसको थोड़ा सा पानी लगाकर भी हमने सेट कर दिया है ताकि ये गिरे नहीं इसकी मिट्टी बच्चे इस गड्ढे में हमने जो ग्राउंड का कचरा था उसको डाल दिया ताकि खाद बन जाए दोनों गड्ढों में और ये बिल्कुल रेडी है देखिए बनकर पूरी इसकी सीप वाली शेप दे दी है इसकी दोनों साइड से अब मैं सीमेंट ले आऊंगी बहुत मेहनत वाला काम तो मैं इसको खींचे जा रही हूँ खींच जा रही हूँ बहुत मुश्किल से खिंच रहा है ये अब इसमें से थोड़ी सी बेन चाहिए हमको तो ये मैंने एक चद्दर ले ली है थोड़ी सी फटी हुई थी इसको मैं सिल लूँगी अच्छे से ताकि बीच में टूटे नहीं और ये जो धागा मैंने लिया है इससे मैं पूरा सिल लूँगी ये जो धागा है ये वो गुदड़े सिलने वाला धागा है ताकि ये बिल्कुल भी टूटे नहीं अगर द वे थोड़ा सा भी अगर ये टूट जाता है तो दिक्कत हो जाएगी और ये बाबू बैठी है यहाँ पर जिसको मज़ा आ रहा है यहाँ पर डांस करने में अब ऐसे मैंने इसको फोर लेयर में कर लिया है समेट लिया है इस पूरी बेडशीट को अब हम इसकी कटिंग करेंगे इसको हम ओवल शेप में लगभग ऐसे काट लेंगे तो चार लड़े कर ली मैंने इसको और फिर इसको हम एक किनारे से काट देंगे फिर इसकी शेप अपने आप ऐसी बन जाएगी ताकि अपन इसको इकट्ठा करके सीप वाला शेप दे सकें तो एकदम बराबर करके और इसको मैं काट दूंगी बहुत मोटी है ऐसे इस बस इस इस आकार में इसको थोड़ा सा कट करना है ज़्यादा हमें कट नहीं करना बस थोड़ा सा इसका शेप आ जाए बाकी तो इसमें सलवटें बनेगी तो बड़ा चाहिए तो ये देखिए इस तरीके से बस किनारे इस तरीके से कट गए हैं ये बहुत बड़ी बेड शीट थी डबल बेड की बेड शीट है ये अब इस पूरी बेड शीट को हम सीमेंट के घोल में डालेंगे तो पहले मैंने ये सीमेंट ले लिया है यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा टब है जितनी मतलब रिक्वायर्ड आपको लग रही है सीमेंट उसको उस सीमेंट उस में आप आधा पानी डालें तो मैंने भी ऐसे किया है पहले तो मैंने लगभग जितनी सीमेंट थी उतना पानी लिया लेकिन फिर मुझे लगा और पानी चाहिए तो फिर मैंने इसमें सीमेंट का आधा पानी लिया अब इस कपड़े को ऐसे बीच में से हम इकट्ठा कर लेंगे सेंटर में से एकदम इसको पूरे को अच्छे से इसमें सोक करना है ऐसे नहीं कहीं से ये रह गया अगर रह गया तो फिर वो कपड़ा ही रह जाएगा फिर वो हार्ड नहीं हो पाएगा तो अच्छे से पूरा भिगो लेना है इसको ये जो इकट्ठा किया है इसको भी धीरे धीरे खोल खोल कर आप भिगो लीजिए इसमें हल्का हल्का अब जब ये पूरा पानी सूख ले तब हम इसको एक किसी की मदद लेकर और इसको पूरा फैला देंगे सेंटर को ऐसे सिकोड़ के रखना है तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फैला दिया और ये जो वायर है मोटे वाले वायर है ये तो इनको कट कर कर ये देखिए पापा इनको कट कर रहे हैं सीधा कर रहे हैं थोड़े मुड़े हुए थे रखे हुए थे इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे ताकि इसको एक पूरा अच्छा सा बेस मिल सके पूरा ढंग से तो वायर लगाने के बाद हमने जो बची हुई सीमेंट थी उसको इसके ऊपर और लगा दिया है ताकि वो दिखाई नहीं दे और वो चिपक जाए अच्छे से तो इस तरीके से हमारा जो शेल है उसका बेस बन के रेडी है अब छः सात दिन बाद जब ये बिल्कुल सूख गया था तब मैं आई तो पापा ने इस पर पहले से ही बिरला पुट्टी वो उसका थोड़ा सा मार दिया था इस पर हाथ दो दो या तीन हाथ मारे थे रजत और पापा ने तब जाके ये इतना वाइट हुआ है अब हम इसको फिर सूखने देंगे छः सात दिन तक इसकी अच्छे से तराई करी थी और इसके ऊपर हमने बोरी को होती है जो गेहूँ वाली उसको गीला कर कर इस पर भी रख दिया था ताकि ये गीला रहे इसकी तराई होती रहे ये बिल्कुल बन के तैयार है ये देखिए इस पे गुड्डू हमारी पेंटर भाग गई शर्मा कर इस पर पापा और गुड्डू ने मिलकर ऐसे शेडिंग दे दी है कलर की तो ये देखिए बिल्कुल बन गया है हमारा सी शेल और इस पर एकदम फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल रेडी है इसमें बाद में गुड़िया ने बहुत मस्ती भी करी है पानी में बिल्कुल टूट नहीं तो इसको आप कोई सजावटी सामान के तौर पे भी ले सकते हैं छोटा भी बना सकते हैं या फिर इसमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं ये ड्रेस भी हमने घर पे बनाई है तो अगर आपको इसका भी जानना है कैसे बनाई तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और ये भी बताइए कि वीडियो कैसी लगी थैंक यू फॉर वॉचिंग